हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, आज सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए दिन के नए ब्लॉग में। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, आज सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए दिन के नए ब्लॉग में। अभी भी जस्ट फजर की नमाज पढ़ता आया और क्योंकि सीधा सो गया था तो अम्मी ने उठाया और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने गया और अब फ्रेश होने जाऊँ। और अभी देख सकते हो कितने बजे, 6 बजने में सिर्फ 5 मिनट का। और आज है बकरी, तो वो हिसाब से अभी खुतबा पढ़ने आना पड़ेगा। 6:30 बजे का खुतबा है तो वो हिसाब से फटाफट से हम फ्रेश हो जाता हूँ। इसके बाद फिर कपड़े में बस समझ नहीं पड़ रहा कौन सा पहनूँ, ये पहनूँ या ये पहनूँ, क्योंकि ये मैंने ईद पे ही पहना था और ये नहीं पहना था। ये मेरा फेवरेट है, इसको पता नहीं, तो वो हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कौन सा पहनूँ। लेकिन जो भी हो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम है नहीं मेरे पास, तो पहले नहा लेते, फ्रेश हो जाते, इसके बाद मिलते, ठीक है। हेलो गाइस, अभी पूरी तरीके से मैं रेडी हो चुका हूँ और अब चाह रहा हूँ नमाज पढ़ने, क्योंकि बकरीद की नमाज हम ईदगाह में अदा करेंगे, ईदगाह में अरेंजमेंट करेंगे, तो उसी लिए वही साइड जाइए जहाँ रमजान ईद पे गए थे वहीं पे जाना है। और अल्लाह का शुक्र है रमजान ईद पे मेरा पता नहीं एक्सीडेंट हो गया तो वो हिसाब से नमाज नहीं पढ़ पाया था, लेकिन अभी माशाल्लाह अच्छा हो गया तो वो हिसाब से बकरीद की ये नमाज बराबर से पढ़ पाऊंगा। लेकिन अभी से जल्दी जल्दी मुझे तैयारी करना पड़ेगी क्योंकि हमें निकलना भी है, 6:30 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है। क्या मिले नहीं, अभी देखो कितने हुए, 6:15, तो इसलिए सीधे हम निकल जाते हैं। ये हमने मुसल्ले ले लिया, चलो अभी पब्लिक तो है लेकिन रमजान करता कम पब्लिक है, देखो पूरा सुनता में भाई जाने रुकम पब्लिक है। वही जगह अपना कहाँ नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं, बकरीद की मस्जिद में नहीं, और वो हर फेरी बकरीद की मसल के वैसे नहीं होती थी, अभी ये पहली फेरी हो रही है, मतलब बहुत टाइम बाद हो रही थी, वरना यहाँ होती थी बराबर रमजान ईद की नमाज होती। आ गए तो थी लेकिन मरसा की जान इबादत है, इस इबादत का बहुत बड़ा सवाब है, हर पाल पर अल्लाह अभी जस्ट घर आया और अभी देख सकते हो कितने बजे, 7:30 बजे और अभी हमें बबीन मिल गया और अभी मैं जा रहा हूँ भाई के पास क्योंकि काम है, तो वो हिसाब से मैं सीधा आऊँगा 12-1 बजे के आसपास। इसके बाद फिर नानी के वहाँ जानटी के वहाँ सब पहुँच जाएगी और कुर्बानी रही, कुर्बानी की बात रही, कुर्बानी हमारी आज नहीं कल रही बासित को, उसका रीज़न ये कि खाट की कोई धान है काटने वाला, तो वो हिसाब से आज नहीं कल ही हमारा है हमारी कुर्बानी, तो वो हिसाब से अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। और रही बात पाड़े के, पाड़े को भी लेकर आएंगे 12 बजे के आसपास, तो यहाँ ही खिलाए के पिलाए की खिदमत करेंगे, इसके बाद कल इसको कुर्बान करना तो है, तो वो इस बस अभी जा रहा सीधा निकल जाता हूँ वहाँ पहुँचता हूँ और मिलते बात। ओ, क्या खाती है जाए भी इसको दीदी के पढ़ लिए तुम लोग की तरह। हाँ आबान देखो, हे आबान अरे अब रूम है अपने पास, किचन नहीं है, अब्बा कहाँ गए, ओए छोटे पाले, ओए छोटे पाले, भैया धन्य भी तो आ जाएगा मिमी, क्या बे यार वाला करने जा
खड़ा हो जाओ तू कौन है तू ये पीछे तू फिर से मोबाइल पे आया इसके भी लेवाना चाहिए यहाँ मिमी यहाँ चल बाबा दे चाचा भी दे दीजा चाचा भी दे दे ले बस अपन जाली जल्दी देखी ना बस दो हो गई जल्दी जा जल्दी जाने वो नहीं मारने का वो थोड़ा ये हो गया चाहिए चलाओ भाई टाइम देखो कितना हो गया 12:30 क्या खाने का अम्मी ने बनाई जनपुदी कब आएगी कब कितना टाइम टाइम भूख तो लगी नहीं चाह पूरी भाभी नहीं खा रहे निकाल लो ये क्या कोरमा ये गड़ी रोटी ये जो हर बार ईद में बनाते हैं किसने बनाया क्या ले दे दो इसको दे दो इससे हम लोग इन्हें खिलौने लेने जाएंगे नहीं तो लेने जाएंगे ये मैं को दिया भी नहीं इनके हाथ में से निकाली मेरे हाथ में से निकाली पैसा क्या नहीं दे रहे चाहिए ये रहा अपना भाई पानी बता दे माशाल्लाह एक इसके ऐसा ही है सेम क्या नहीं आने लेने है मोबाइल लेके बैठ गया फिर से नहीं सुन रहा है कब से बोल हैं है जाने कि नहीं आने तो जल्दी जल्दी चाय पी वो मोबाइल हटा साइड पे मम्मी आ गया पारा या देख बाहर देख या देख हूँ क्या कर दे नींद में अजू भी नहीं चलिए डोरीमोन ओ वाओ कौन पहनेगा अब छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा तू है मोबाइल को तू लाया कपड़े है चाय भी चल बिले क्या सोचता ऊपर क्या देखते हैं ऊपर क्या है सही सैयदपुरी में से सैयदपुर नाम तो ऐसे याद है सब मेरे फ्रेश हुआ था उसका कपड़े बदलना और अभी बजे है देखो कितने 7 मैं 15 का हूँ।
है मैम। चल अपने आवे इसको बोलते क्यों ना कहता बच्चों को क्या हो क्या बोली तू वाह फोन तेरा हाँ वाह चलो नीचे आ गए बस चलो हाँ ये कुछ गोद में नहीं है गोदने वाली जा क्यों थक गए क्या हुआ तेको तू थक गए हाँ चलो अभी तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहाड़े का पास थोड़ा वहाँ बैठते हैं फिर कल की तैयारी भी करना है इसीलिए तो वही सबसे बाबा खिला नहीं स्कूल वहाँ से खाता ही है हाँ यूँ हाँ खाता ही है ओ वो भी पसंद दोनों सेम ही है खिला मिमी खिला खाएगा 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 उसका मुँह में चप्पल को पचड़ गया खिला दे 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 मिमी दे ना खाएगा खाएगा छोड़ दे बाबा छोड़ दे दे मिमी दे दे खाना दे हाँ एक दे आगे ला आगे दे आगे दे आगे दे खिला 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 बन खिला क्या होता हूँ अगर लेते जरा गेम नहीं मिले ले ये हाँ हम लोग निकले हैं पहाड़े का खाना लेने के लिए पूरा खाना बता दिया तो वो एक तरफ से ऐसा खाना है ये देखो इसके घास चालू है कब से गुनगुन का है यार ये देखो ये रहा इसका घास कब से तो एड्रेस पूछ के पूछ तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे गाड़ी है कहाँ निकल वहाँ जाने का दिन अपने को जिसका रात का भी खाने का नहीं सुबह का भी खाना इसलिए हम लोग को खाना पड़ा ले ले हाँ आराम से देखिए जा लिया पानी रख दो बस पानी तो नहीं पीता ये खाना देते हम खुद खाएंगे क्या बनाएंगे हम लोग खा ली मैंने गरम करके निकाला खाया तो चिकास कहाँ इसमें नहीं है नहीं नहीं कर खेलने बराबर बाबा तो फिर से मर जाएगा अब बेचारा हटाऊंगा भाई का आ गया भाग 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 वहाँ हाँ उसको मारने का क्या तो अभी यहाँ लोग आए मसाला डोसा खाने उसके बाद क्या खाएगा ये खिला दे से इसको खिला 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 इसको देख खाएगा अभी इसको यहाँ हाई हो गए यहाँ किसने करी हाई मैंने करी झूठी झूठी कल कड़ी आएगा बरसात आ रहा है बरसात है ना नहीं पारा नहा लेगा अच्छा लगता है नहीं देख कितना अच्छा बरसात आ रहा है ना ऐसे कर जल्दी ऐसे करने तो बस अब पहाड़े को घर देगा अभी देखो कितने बजे अभी 11:15 हो चुके और अब उसके घर लेकर आए यहाँ से रख देगा और कल ये सुबह कुर्बान हो जाएगा इसलिए खाना भी यहाँ रख दिया मतलब कि हो सके तो खा लेगा ये पता नहीं क्या करेगा ये ले इसको बस कल ये कुर्बान है और बच गया सब बने आ गई लोग के भाषा में बात कर ले
बात कर ले बे लोग। हेलो गाइस, अभी बिच्चा से घर आया हूँ और अभी देख सकते हो कितने बजे, 11:30 बज चुके हैं और अभी भी भाड़े को वहीं रख के आया क्योंकि वहाँ पे वो सेफ रहेगा। यहाँ पे हम रखने का हमने सोचा था, प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ कुछ कह नहीं सकते, चोरी हो गया तो फिर भाई, तो वो हिसाब से सीधा वहीं रख दिया बिना कोई टेंशन के लिए। वहाँ सेफ रहेगा और खाना भी वहाँ दे दिया आपने जैसे देखा, और आप लोगों ने देखा ही कि मैंने बाकी बचा तो फिर बाकी लोगों को भी दे दिया। तो वो हिसाब से कल कुर्बान आएगा और सल्ला मैं ही फिराऊंगा ऐसा डिसाइड हो रहा है, क्योंकि आज तक मैंने सल्ला फिराया नहीं, मैंने आज तक फिराया नहीं क्योंकि हिम्मत ही नहीं। ये फिर हिम्मत करूँगा काटने की, अगर नहीं काटा तो दाल लोगों को दे दूँगा, लेकिन कोशिश तो मैं ही करूँगा कि मैं ही किसी काटूँ सल्ला फिराऊँ, लेकिन देखते कल क्या सीन रहता है क्या रहता है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर हम एंड करते, तो आप लोग अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते, और मिलते नए दिन के नए व्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून।